एवरी वन वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका सो जी के जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप किसी भी क्वारी के लिए मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और इसका पी डी एफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनिट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मूनस तो कौन से प्लानट के पास सबसे ज़्यादा नंबर्स में नेचुरल सैटेलाइट या मून होता है ऑप्शन आर जुपिटर मार्स सेटन या वीनस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जुपिटर जुपिटर जो है वैसे तो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और जुपिटर के पास 67 सेवन नोन मून्स हैं और आगे ये और भी ज़्यादा जुड़ने की उम्मीद है जुपिटर में जो लार्जेस्ट फोर मूनस हैं उनका नाम है लो यूरोपा गैनीमेड एंड कैलिस्टो ये चार नाम भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनके नाम देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किस प्लानेट के नेचुरल सेटेलाइट है या मून है और इन चार मूनस को जो है गैलीलियन सैटेलाइट भी बोला जाता है क्योंकि ये पहली बार जो है गैलीलियो गैलीली ने जो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने 1610 में पहली बार देखी थी इनकी खोज की थी सेकंड क्वेश्चन हु रोट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑप्शंस आर लेन शी गुएवारा मार्क्स एंड एंगल्स या माओ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क्स एंड एंगल्स तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है एक पब्लिकेशन है 1848 में आया था जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो है लिखा है और इसे जो है वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है थर्ड क्वेश्चन द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विद मीन्स किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो स्टेट्स की बाउंड्री को जो है ऑल्टर कर सकता है ऑप्शनस आर पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल थ्री हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थ्री में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी न्यू स्टेट का किसी भी दूसरे स्टेट से सेपरेशन करके फॉर्मेशन कर सकता है या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के उनके हिस्सों को मिला के जो है एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट का एरिया जो है इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है या फिर उस स्टेट का नाम चेंज कर सकता है फोर्थ क्वेश्चन गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ डेट ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑप्शन आर इंदिरा गांधी राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी या दीनदयाल उपाध्याय तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो आपका हिंदी में सुशासन दिवस भी कहलाता है और ये जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है ये ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है जिस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है सुशासन दिवस मनाया जाता है और गुड गवर्नेंस डे जो है वो 2014 से मनाना शुरू हुआ है जब पहली बार आपकी मोदी गवर्नमेंट आई थी फिफ्थ क्वेश्चन नॉन रेजिडेंट इंडियन एन आर आई डे इज मार्क्ड ऑन ऑप्शन आर नाइनटीन जनवरी सेवेंथ जनवरी नाइन्थ जनवरी या फिर सेवनटींथ जनवरी तो एन आर आई डे जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं ये नाइन्थ ऑफ जनवरी को मनाया जाता है तो इसे प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं नाइन्थ जनवरी को मनाया जाता है और ये उनको जो है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करके मनाया जाता है जो हमारी इंडियन कम्युनिटी इंडिया के बाहर जो है वो काम कर रही है हमारी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही ये महात्मा गांधी के लिए भी जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बॉम्बे लौटकर आए थे नाइन्थ जनवरी को तो उनके अराइवल के अराइवल को याद करने के लिए भी मनाया जाता है सिक्स क्वेश्चन ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज बाय ऑप्शन आर हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो एसिड रेन जो होती है या जिसे हम ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन कहते हैं ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड से फॉर्म होता है तो एसिड रेन इज कॉज बाय द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट विद द वॉटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमोसफेयर टू प्रोड्यूस एसिड मीन्स जो एटमोसफेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं जिसके बाद जो एसिड्रेन का फॉर्मेशन देते हैं आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा कि मथुरा रिफाइनरी जो है जिससे सल्फर डाईऑक्साइड सिक्रीट होने की वजह से आपके जो ताजमहल के जो मार्बल है वो पीला पड़ रहा है तो वो किस वजह से पड़ रहा है वो एसिड रेन की वजह से ही पड़ रहा है सेवेंथ क्वेश्चन द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज तो जर्मनी की पार्लियामेंट को जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है ऑप्शन आर सीनेट शोरा बुडस्टैग या मजलिस तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसे बुडस्टैग कहा कहा जाता है तो और सीनेट जो है वो यूएसए के पार्लियामेंट को कहा जाता है शोरा जो है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को कहा जाता है और मजलिस जो है वो ईरान के पार्लियामेंट को कहा जाता है तो इससे हमने सारे ही ऑप्शंस कवर कर लिए एट्थ क्वेश्चन द केबल लाम जाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज़ इन हमारे विश्व का पहला और ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लाम जाओ कहाँ पर है ऑप्शन हैं आपके आसाम मेघालय मणिपुर या मिज़ोरम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में जो है केबल लाम जाओ पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क बनाया गया है तो मणिपुर में है और इसका जो एरिया है वह वो है फोर्टी किलोमीटर पर स्क्वायर और ये जो है आपका लोकटक झील पर बनाया गया है नाइन्थ क्वेश्चन झीरी मेला एन एनुअल अन, कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो झीरी मेला किस स्टेट में मनाया जाता है ऑप्शन से आपके अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में जो है झीरी मेला आपका मनाया जाता है तो झीरी मेला जो है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और ये जो है एक फार्मर थे शहीद फार्मर जिनको जिनकी याद में जो है उनका नाम था बाबा जीतो उनकी याद में ये मनाया जाता है टेंथ क्वेश्चन विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हारमोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हारमोन सिक्रीट होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जो उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है ऑप्शन है आपके एड्रिनल ग्लैंड हाइपोथेलमस ग्लैंड थेक्समस ग्लैंड या थारॉइड ग्लैंड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाइपोथैलमस ग्लैंड तो इन ह्यूमन बॉडी हाइपोथैलमस ग्लैंड रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का एलवेंथ क्वेश्चन द हेडक्वाटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपैक इज इन तो ओपैक का जो हैडक्वाटर है वो कहाँ पर है ऑप्शन हैं आपके तेहरन वीना बगदाद या अबू धाबी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वीना ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना वहाँ पर जो है ओपेक इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ये जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की ये पॉलिसी जो है कॉर्डिनेट uh, करता है इसका जो हेड uh, क्वार्टर है वो है आपका वीना ऑस्ट्रिया में ट्वेल्थ क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द अपराइजिंग ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो किसने जो है एटीन फिफ्टी सेवन को रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन को जो है वो पहला इंडियन वॉर कहा गया है आज़ादी की लड़ाई पहली आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कही है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस कहा है ऑप्शन हैं आपके महात्मा गांधी वी डी सावरकर जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वी डी सावरकर तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अपराइजिंग ऑफ एटीन को द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है अपने किस बुक में द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस किताब में उन्होंने अपराइजिंग ऑफ 1857 को फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया है थर्टींथ क्वेश्चन इन विच ईयर द रेजोल्यूशन ऑफ टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज वॉज टेकन बाय द कांग्रेस ऑप्शन ट्वेंटी थर्टी यान फोर्टी तो ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन थर्टी में तो नाइनटीन थर्टी में जो है पूर्ण स्वराज के लिए जो है रेजोल्यूशन लिया गया था बाय द कांग्रेस तो दूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन और द डिक्लेन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसे हम या तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन कहेंगे या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कहेंगे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 16 जनवरी 1932 को लिया था रिजॉल्विंग द कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल नेशनलिस्ट टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट सेल्फ रूल इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिया आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे थैंक यू सो मच